से गाइडेंस के लिए राजस्थान की राजनीति के बहुत ही बहुत बड़े लीडर रहे हैं। मैंने काफ़ी लंबी छोड़ी उनसे बातचीत की है और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और सभी सलाह मैंने लिया। मेरी एक बात है कि मैं जो भी काम करूँगा सभी कांग्रेस को उनका उनके साथ चर्चा करके फिर जो डिसीजन किया जाए जो प्रदेश कांग्रेस में बढ़ रही है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में बढ़ रही है क्योंकि मैं सभी के साथ चर्चा कर रहा हूँ। उनको उनको मिलती भी है, उनको मैंने बुलाया भी है और जब हम इकट्ठा करते हैं कई बार वो अपने मन की बात नहीं कह सकते। मैं उनसे अकेले में भी जो MLA प्रेजेंट MLA हरे हुए MLA हैं उनको टिकट दिया था, उनके साथ मैं वन टू वन मीटिंग कर रहा हूँ। अगर सभी कहेंगे फिर करेंगे, पर मेरे ख्याल में अभी ऐसा हमारा कोई विचार नहीं। अभी मैंने उनका पूछा है कि यही होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के बारे में क्या काम कर रहे हो, आपके साथ साथ संगठन के लिए काम करना चाहिए। तो आदमी संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, जब हम वोट के लिए जाएंगे इलेक्शन में जाएंगे तो उस टाइम संगठन की बात ही होगी गवर्नमेंट की नहीं। इसलिए हम मैं संगठन को मजबूत करने के लिए इन सभी से बात कर रहा हूँ। जो मंत्री है इससे बड़ी उसके पास जिम्मेदारी कौन सी है, ठीक है ना। इसलिए उनको कहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का मेरे को रिजल्ट चाहिए और काम करिए और बेफिक्र होकर काम करिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम। से ही फीडबैक ले रहा हूँ और हर आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। इनका तो मेरे साथ पुराना रिश्ता है, मेरे इंचार्ज भी रहे हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान के चलते फिरते कांग्रेस की इंसाइक्लोपीडिया है और इनको मेरे ख्याल छोटे से छोटे वर्कर का भी आपको कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले बगावत हुई कोरोना से पहले या उसके मैं बातों को मैं पास्ट को नहीं ज़्यादा लेकर चलना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और साथ साथ पास्ट का जो है उसके सबक भी लेना चाहिए कि दोबारा आइंदा ऐसी गलती ना हो।